तो गाइस अगर आप सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हो और बहुत सारा मीम देखना पसंद करते हो तो हाल में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा हर जगह, सिग्मा मेल रूल्स #101। और इस वर्ड को ज्यादातर मीम वीडियो के लास्ट में यूज किया जा रहा है। तो मीम तो सेम ही होता है, सब मीम दिखाया जाता है, उसके बाद लास्ट में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिग्मा मेल रूल्स #101। अब समझते कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहला वर्ड आता है सिग्मा, जिसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता। अब चलते हैं मेल पे। मेल का मतलब है बॉय, उसके बाद रूल्स इसका मतलब होते हैं नियम, उसके बाद #101 मतलब कोई भी पर्टिकुलर रूल्स को हम एक नंबर देते हैं #etc। तो जैसे कि 101 यहाँ पर यूज किया गया है। तो अब मतलब आता है कि भाई सिग्मा का मतलब क्या है और इसको मीम पे यूज क्यों किया जा रहा है। तो इसका भी सवाल हम लॉजिकली एंड अनलॉजिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बस पहले हम इसको लॉजिकली समझते हैं। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हो व्हाट इज सिग्मा, तो नीचे जो है बहुत सारे आपके सामने आंसर आ जाता है और आपको लिखा है कि एक ग्रीन अल्फाबेट है, एक साइन है जिसको मैथमेटिक्स सॉल्व पे यूज किया जाता है, जिस सिग्मा के बिना कोई भी बड़े बड़े जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब बात आता है कि मीम के साथ मैथमेटिक्स का क्या कनेक्शन है। भाई इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसको जो है अनलॉजिकली समझते हैं। जैसे कि हम लोग सब लोग जो है मीम देखना बहुत ही पसंद करते हैं, जैसे कि सेविक्स डायलॉग, सेविक्स रिप्लाई, थग लाइफ, स्वैग, पंच डायलॉग, फनी पंच डायलॉग, इस तरह के मीम हम बहुत ही देखना पसंद करते हैं। सेम एज इसी तरीके के जो है लास्ट में हम कोई भी एक थग लाइफ वाला कोई भी डायलॉग बोल देते हैं, सुपर पंच देते हैं या सेविक्स रिप्लाई देते हैं, तो लास्ट में हमें एक मतलब कैप पहनाया जाता है, उसमें एक सिगर दिया जाता है, उसके बाद एक थग लाइफ टैग दिया जाता है उस मीम पे, उस वीडियो पर। उसी तरह सेम मीम पे जो है लास्ट में इस तरह के सिग्मा मेल रूल्स #70 #69 #101 यूज हो रहा है, सेम एज थग लाइफ। इसका कोई अलग लॉजिक नहीं है, मतलब एक अनलॉजिकल थ्योरी है जिसके बेसिस के ऊपर लोग जो है मीम बना रहे हैं और लास्ट में सिग्मा रूल्स, सिग्मा मेल्स रूल्स ऐसे ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही मैथमेटिक्स से, ना ही कुछ अलग चीजों से, जस्ट ये फनी के लिए यूज कर रहा है। जस्ट किसी ने जो कोई मीम पे इस तरह की वीडियो बना दिया और उसको देख देख के जो लोग उस पर वीडियो बनाते जा रहे हैं। जैसे कि विनोद वाला एक इशू आया था जिसमें मतलब कोई उसका मतलब ही नहीं है, जस्ट मतलब लाइव स्ट्रीम में जाकर वैसे स्पैम कर रहे थे विनोद विनोद विनोद, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, विनोद जैसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ऐसा कुछ हाल चल रहा है सिग्मा मेल रूल्स, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट भी कोई सेविक्स डायलॉग दे दो या जो है थग लाइफ वाला कोई भी डायलॉग दे दो या सुपर पंच वाला डायलॉग दे दो कोई भी मीम के अंदर, तो आपको जो इस तरह के टैग दिया जाएगा सिग्मा मेल्स रूल्स #101। मतलब खुद का रूल्स बनाओ, खुद रूल्स तोड़ो, इस तरह से इसको बात ही किया जा रहा है। एक तरफ से एक मीम वीडियो का एक टैग लाइन है जो हम हर वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गाइस इसके लिए हमारे दिमाग में जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इसको फनी तरह से लो। मैंने इस चीज को बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, ना इसका कोई लॉजिक है, जस्ट अनलॉजिकली थ्योरी है जिसके बेसिस के ऊपर मीम बनाए जा रहे हैं, लोग इसे पसंद कर रहे, शेयर कर रहे हैं। सो सिग्मा मेल सोर्स अगर आपके सामने आ जाता है, आपको भी किसी ने टैग करता है, तो उस चीज में आप भी टैग कर दो, क्योंकि अनलॉजिकल थ्योरी है, इसका अगर मीनिंग ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को दिमाग में जो चलता है उस इसके बेसिस के ऊपर वीडियो बना देता है। सो गाइस सिग्मा मेल सोर्स का यही असली सच है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ज्यादा लॉजिक यहाँ पर नहीं है। सो लॉजिक ढूंढने मत जाओ, अनलॉजिकल थ्योरी है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे इंस्टाग्राम फैमिली पे ज्वाइन होना चाहते हो तो रिकवरी मास्टर 400 पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।